9485 पृष्ठ 82 जी 9485 मिनी मरिहन के रजिस्टर में पृष्ठ 82 सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है, बाबा भी जानते हैं और सेंटर पर बैठे हुए रूहानी बच्चे भी जानते हैं कि बाप आया हुआ है। हमको रूहानी पति दुनिया फिर घर में रहे घर ले जाएंगे, मतलब आया किसके है पुरानी किसी पति दुनिया से फिर घर ले जाएंगे, फिर ले जाएंगे क्या मतलब फिर ले जाएंगे मतलब पहले भी घर ले गए थे तब पहले कितने साल का हुआ 5000 साल पर पहले कब ले गए थे कितने साल का हुआ वो पर अब ब्राह्मणों की दुनिया में आपको कब ले गए बाप आया हुआ है एक पुरानी किसी पति दुनिया से फिर घर ले जाएंगे इसका मतलब पहले भी ले गए थे और अब फिर ले जाएंगे पहले कब ले गए फिर कब ले जाएंगे इसको होना रहता हमारे बच्ची का अभी कब हुआ 2000 साल पहले अब होगा हुआ नहीं पहले नहीं ले गए थे घर चक्र का चित्र है समझा ब्राह्मणों की दुनिया में हर युग में एक कल समाई हुई है पहले भी पाप आया था ब्राह्मणों की संगम दुनिया और पहले भी शांति धाम सुख धाम के टेम्पल में ले गया था कब ले गया था गेट में कहाँ ले गया कब ले गया चक्कर में ले गया चक्कर में तो आप मिला भी नहीं होगा अच्छा जी मिला नहीं तो आपको ले कहाँ से गया आप अपनी बात बताइए बाप आ गया तो जिन बच्चों को आपको कब ले गया कब से ले गया हाँ जी शरद कुमार कब ले गया था माताओं ने सब बताया यहाँ वाली माताओं की तो बात ही नहीं कब ले गया
लौकी कैसी क्या हुई है? सुस्ती हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 90 में सुस्ती हुई। हटा दीजिए। क्या आया? पति आया। हो सकता है 36, 37, 38, 39 और 40 में आते आते जैसे मैं विध्वंस हो गया हूँ और अपने शांति धाम के बाद ही हो गए किया और फिर अपने चलो बता सकता है या नहीं? शांति धाम शांति धाम जब सुखधाम कराची में स्थापन हो गया 47 से और ब्रह्मा बाबा वहाँ पहले से पहुँच गया, उससे भी पहले ब्रह्मा को पहुँचा, ये तो वो पहुँचेगा ना, फिर बाद में साधु बाद में और भागेंगे। सुखधाम की बात नहीं, यहाँ तो शांति धाम की बात हो रही है। शांति धाम तो आत्माओं ने पहले से जाना शुरू किया होगा ना, पिता वाली स्कूल जब 42, 47 के बीच जन्म लेती है दोबारा शारीरिक, तो उससे पहले ही उसने ये भी छोड़ा होगा। ऐसे ही कोई बच्चे भी ऐसे होंगे जिन्होंने उससे पहले ही 42 से पहले ही ये भी छोड़ा होगा। जब छोड़ा उस समय ज्ञान में चलते हैं, वो साता ये सर्विस करे, वो सर्विस करे, उसको संदेश दे, उसको संदेश दे, चलता है ना। फिर जब बैराग आता है क्या होता है? आत्मा ही कानों से सुनती है, बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं। बातें कौन सुनता है? आत्मा की होने वाली आत्मा ही आत्मा बने हैं, कोई ध्यान से चाल देते देवान जग है। सुखधाम जाने वाले कम से नहीं राम तो जाएंगे ही, वो जो शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम में नहीं गए होंगे तो सुखधाम में कैसे जाएंगे? 41 तक जब शरीर छोड़ दिए, 42, 41 तक, 40 तक रहे, तो सुखधाम कहाँ छोड़ दिए? तो शरीर छोड़ देने के बाद क्या वो दया जन्म लेकर के उसी दुनिया में कहीं अनुभव नहीं कर सकते बचपन? अरे दुख ही दुख में बीत जाता है बिहार में, कहाँ सुखधाम में। बचपन में माँ बाप भी ऐसी बात कहीं कहीं देते हैं, यही महसूस करते हैं, वैसा तो बड़ेपन में कभी महसूस नहीं होता। बाप आए हैं पावर बनाने और आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही कानों से सुनती है। क्योंकि बाप को अपना शरीर जो है तो बाप की आत्मा भी कोई के कानों से ही सुनती है। ये बाप कहते हैं मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ, जैसा मैंने शरीर धारण किया वैसी ही मैं पहचान देता हूँ। क्या कहा? मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ, मैं इस साधारण सन में आकर दो बच्चों को पावन बने बताता हूँ। वो भी हर कण पाकर तुमको ये बताता हूँ, ऐसे नहीं एक कष्ट में बताता हूँ, कष्ट में नहीं बताता हूँ। रावण राज्य रावण राज्य जो
वाटिका में कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम, धाम है कृष्णपुरी स्वर्ग, वो तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छे जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है संगम, अभी कोई सुधाम नहीं है, हमको पढ़ाने के लिए आया हूँ, अभी हमारी पढ़ाई बाकी है। बाप कहते हैं तो घर में भी स्कूल बनाए सकते, पावन बनकर और उसको पावन बनाना, पावन बनेंगे अभी पावन बनेंगे, अभी तो ये भ्रष्टाचार पति क्या कर पावन बनकर पावन बनाना है, पावन न बने तो दूसरों को पावन कैसे बनाए सकेंगे, क्या करोगे। बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो पढ़ाई के लिए, है मतलब किसे पावन बनाने के लिए, तो मतलब पावन बन गए हैं, स्कूल किस लिए है कितने किसे बनाओगे, बाबा सा का संदेश दूसरों को देने के लिए, कौन देगा संदेश, बच्चे ही देंगे। बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो, पावन बन और बनाना है, पावन बनेंगे या भी पावन बने, जब तक तुम पावन नहीं बनेगी तब तक पावन बनाने बाप का सहयोग भी कर सके, लेकिन यहाँ सहयोग की बात नहीं है, यहाँ बात है पावन बन और पावन बनाना है, अभी की भ्रष्टाचार खत्म नहीं है, अभी क्या है सारी दुनिया पथित और भ्रष्टाचारी, अभी है रावण की राजधानी, इन बातों को जो अच्छी रीति समझते फिर औरों को समझाते, ऐसे राम की राजधानी है दुनिया में अभी कहीं भी राम की राजधानी नहीं, राजधानी फिर भी किसकी है रावण राजधानी, कौन सी राजधानी रावण की राजधानी तो है, राम बाप की राजधानी नहीं है, राम बाप की राजधानी तैयार हो रही है अभी है नहीं, है किसकी रावण की, अभी उसके ऊपर अधिकार किसका है, किसका अधिकार है रावण का अधिकार है, राम की राजधानी नहीं है, राजधानी का नाम क्या है दिल्ली, रावण की है भाई, आ गए बटन है, दिल्ली राजधानी जो है वो रावण की, है किसके कंट्रोल में, पंचायती राज कंट्रोल में है, पंचायत तो तू एक पंच आओगी ना, चौकीदार यहाँ आमिया वगैरह लाए के फेंक फेंक कर मत लो, कोई कंट्रोल में कस्टडी में कंट्रोल में आने की बात नहीं, बात है मन बुद्धि से संपूर्ण समर्पण होने की, बात क्या है मन बुद्धि से 100% धन से भी मन से भी धन से भी पूरा अर्पण हो, अभी भी राजधानी है धन की शक्ति से मन की शक्ति
और कुछ आगे चलो। अभी है रावण की राजधानी, नहीं बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है कि बाबा बैठ के कहते हैं ये रावण की राजधानी। बच्चे कहते हैं राजधानी, राजधानी में हम निवास करते हैं, वो हमारी धरती माता है, तो राजधानी को बाबा कह देते हैं क्या? रावण की है, बताओ। अच्छा नहीं लगता कोई बच्चे हमारी राजधानी को ऐसे क्यों कहते हैं? तो अल्लाह तो राजधानी रावण की, वो कहा ना रहना तन से रहना एक अलग बात है, लेकिन मन बुद्धि से समर्पण हो जाना, जी को अर्पण कर देना, जैसे चलाए वैसे ही चलना, एक अलग बात हो जाती। इस धूल से शरीर को देख लिया कि हाँ है बाप के पास, लेकिन मन बुद्धि भी लगातार बाप के पास है या कहीं दूसरी जगह उड़ जाती है, या बाप की बुद्धि नहीं जाना चाहती वहां भी उड़ जाती है। तो मनमना भाव है तो बाप का संकल्प कोई संकल्प चलता है तो कोई संकल्प किया जाते हैं। उसे बोलो है ठीक है तो आगे चलो। अभी है रावण की राजधानी, तो बातों को तो अच्छी रीति समझते हो फिर औरों को समझाते। बाप तो सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, खुद बाप को याद सिर्फ क्या समझो, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं देह के संबंधियों से मेरा कोई कनेक्शन कनेक्शन औरों को कैसे समझाओ बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो बावन बन जाते, कोई भी आसुरी कर्म न करो, माया तुमसे जो ठीक ही कर्म कराएगी वो विकर्म जरूर, माया रावण राजधानी में तुम बैठे हो, राज्य में तुम बैठे हो, माया रावण तुमसे जो ठीक कर्म कराएगी, ठीक कर्म कौन से होते हैं और अच्छे कर्म कौन से होते हैं, कीमत के बल खिलाफ जो कर्म हम करेंगे तो मत है कि आज्ञा के विपरीत जो कर्म करेंगे वो कौन कराता है? माया रावण। आसुरी कर्म न करो, माया रावण जो कर्म कराएगी वो विकर्म जरूर बनेगा, और सुकर्म कौन सा बनेगा? तो बाप आर्डर करेंगे, आज्ञा देंगे, इतना है नहीं तो जैसे शब्द लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन बाप जो सुनाते हैं वो कोई और सुना ही नहीं सकता, बाप सन्म को बैठ सुनाते हैं। अगर बाप सन्मुख है तो वो क्या जो डायरेक्शन देता है उस डायरेक्शन पर चलना माना सुकर्म करना। कीमत पर तुम आधा कल्प भूलो, आधा कल्प फिर रावण कीमत पर तुम भूलते हो, इसी समय चूंकि हो रही है। रावण कीमत पर हम जितना जितना चलते हैं मनमत मन कीमत पर इतना तेसर जन्मों की दुख की प्राप्ति दूर कर लेते हैं, और जितना कीमत पर चलते हैं उतनी इक्कीस जन्मों की प्राप्ति दूर कर लेते हैं। तो क्या तेसर जन्मों में दुखी दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है क्या? इक्कीस जन्मों के आधार पर तेसर जन्मों में भी का हिसाब किताब बनता है। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो उसके ही उतरते आए, इसके राज्य में रावण के राज्य तुम इन बातों को नहीं जानते। रावण राज्य में जो हम भक्ति करते अनेकों विचारी भक्ति उससे हम नीचे उतरते,
नहीं है पारस, लेकिन कहते हैं पारसनाथ स्पष्ट करने से ही परिवर्तन हो जाए। उसका नाम क्या रख दिया? पारसनाथ, अर्थात इसके तत्व के रंग में आने से हमारा परिवर्तन जरूर होगा। परिवर्तन न हो ये हो नहीं सकता। वो कहेंगे पारसनाथ, पहले थे पत्थर अभी हो पारसनाथ। पारसनाथ के संसर्ग संपर्क में आने से पत्थर बुद्धि भी क्या बनेगा? पारस बुद्धि, बुद्धि खुलेगी, मन बुद्धि मन चिंतन मंथन में लगेगी जरूर। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं ये ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो। भक्ति मार्ग में कहाँ की यादगार है? जो कहते हैं संगम की ही यादगार, संगम में ही परमात्मा ने अच्छी बुद्धि पारसनाथ बनने की दी थी। तो जरूर कोई पारस पत्थर है। सुप्रीम कोर्ट ज्योतिबिंदु को पत्थर नहीं कहेंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ज्योतिबिंदु किसी पारस पत्थर में प्रवेश करता है। इसके संग के रंग से हमको अच्छी मत जिनकी जरूर है। बाप को बुलाते हैं ना, जैसे कोप है, वो कहता होगा ओ गॉड फादर इन्हों को अच्छी बुद्धि दो। कौन कौन है कोप? कोप नाम क्यों रख दिया? कोप लीला करने वालों का जो हेड है, कोप लीला मत दिखावा, कॉम्पेक्ट जो करना वो है कोप लीला। अपनी सभ्यता को बहुत पुराना करके दिखा रहे हैं। कहते हमारी सभ्यता ग्रीस की सभ्यता, जर्मनी की सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता भारत से भी बहुत पुरानी है। आर्य लोग भारत के नहीं थे, वो हमारे यहाँ से भारत में पहुंचे। सारी हिस्ट्री ही बदल दी। इतना कॉन्फिडेंस जो करते उनका जो हेड है पोप, वो कहता होगा ओ गॉड फादर इन्हों को अच्छी बुद्धि दो। इन्हों को मेरे फॉलोअर्स बाप को बुलाते हैं ना, बुद्धि बिगाड़ी कितने कितने बिगाड़ी। माया रावण कौन? ये गुरु लोग जो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी आत्मा तो परमात्मा, वो खुद ही बिगाड़ने वाले, वो तो धर्म के ठेकेदार बनकर बैठते। और फिर जब विनाश होता है तो कहते हैं एक गॉड फादर अब इनको पी दो। वो कह वो कहता होगा वो गॉड फादर इनों को अच्छी पी दो, ये लड़ाई आदि बंद करें। वो कब कहता है? जब लड़ाई सामने खड़ी दिखाई पड़ती है, प्यारे अब तो ये हमारे कुल के हमारे फॉलोअर्स आपस में ही लड़कर खराब हो जाने वाले, तब उसकी बुद्धि चकराती है। तब कहते हैं ओ गॉड फादर इनको बुद्धि दो, ऐसे अपनी बुद्धि चलाएंगे। फिर कहेंगे ओ गॉड फादर अब इनको बुद्धि दो, हमारे पास बुद्धि खलास हो गई। तो ये लड़ाई आदि बंद करें। बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि दे रहे हैं। बाबा अब अपने यादवों के हेड को इशारा दे रहे हैं, उनसे कह दो कि बाबा अब बहुत अच्छी बुद्धि दे रहे हैं। बहुत अच्छी माना ऐसी बुद्धि दे रहे हैं यादवों को, लड़ो और मर जाओ, ऐसी बुद्धि दे रहे हैं। अब लड़ो आपस में और मर जाओ। उन्हें जो रचना रची है उसका फल भी तो भोगो। बहुत अच्छी बुद्धि दे रहे हैं। बाबा कहते हैं नीच
बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पति बनी है वो पावन बनाना है। पावन बनाने का तरीका तुम्हारे लिए यही है। के लिए यादवों के लिए अलग तरीका, कौरवों के लिए अलग तरीका, पांडवों के लिए अलग तरीका, अपना अपना तरीका है सब। याद की यात्रा क्या करोगे बताओ उनको। याद की यात्रा से उनको पावन बनाना है। तब तक गॉड ब्रदर को याद भी नहीं करेंगे जब तक उनको लड़ाई सामने नहीं दिखाई पड़ेगी, अपना विनाश सामने नहीं दिखाई पड़ेगा। भल घूमो फिरो, बाबा की याद में तुम इतना भी पैदल करके जाएंगे भूल जाएंगे। ऐसे तो वाणी में कह दिया घूमना फिरना भूतों का काम है। क्या कहा? घूमना फिरना भूतों का काम। बेकार अर्थ अगर घूमते फिरते हैं तो वो तो भूत हो गए, ना कोई है ना कोई आप व्यक्ति। क्यों? यहाँ ब्राह्मणों के लिए बाबा ने क्या बताया? उसका ज्ञान का परिचय दो और बल घर में बैठ प्रीति बुद्धि होकर पाप को याद करते हो। अगर लगातार पाप को याद करते रहे प्रीति बुद्धि होकर भी प्रीति बुद्धि न बने तो याद के बल से योग बल से विश्व की बाधाई प्राप्त कर सकते। ऐसा सैंपल है यादवों में है? जो याद के ही बल से विश्व की बाधाई प्राप्त कर ले कौन है? यादवों का हेड, यादवों का हेड कौन बताया? शंकर। वो याद के ही बल से घर में बैठ करके विश्व की बाधाई प्राप्त कर लेता। न कोई प्रदर्शनी करता, न कोई मेले करता, न मलागड़े करता, न सूचक सर्जू करता, न कोई सम्मेलन बुलाता। क्या न किन्हीं आत्माओं को निमंत्रण देता कि तुम आकर के ज्ञान समझो? बस योग बल से विश्व की बात गई मेले तो बोला तुम भल घूमो फिरो। किसके कहा? कौन से बच्चों? उन्हें याद हो बच्चों से। हर कुल में अच्छे और बुरे होते हैं। तो याद हो बच्चों से कहा भल घूमो फिरो। एक तो मन बुद्धि से घूमना फिरना होता है और एक होता है शरीर से। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है बाबा शरीर की कर रहे हैं। भल घूमो फिरो, पाप की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे थकेंगे नहीं। पैदल भी दो प्रकार का होता है, एक एक फूल पांव से पैदल चलना और दूसरा दूसरी रूपी पांव से पैदल यात्रा करना। तो अगर पाप की याद में कितने भी तो मन बुद्धि मन चिंतन मंथन में लगाएंगे लेकिन थकान मेंटल टेंशन नहीं आ सकता। तुमको शरीर भी भूल जाएगा, खुशी जैसी खुराक नहीं। लेकिन खुशी चढ़ेगी खुराक खाना भी भूल जाएगी। गाया जाता है ना, मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर से आते हैं। जाते कहाँ? विलायत। यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनती। बाप कहते हैं मैं कल कल पाकर तुम आत्मा को अपना परिचय दे दो। इस समय सब पति जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। ना कोई ऐसा नहीं है जो पतित पतित न हो और गॉड फादर को बुलाए नहीं। ये हो नहीं सकता। ऐसी भी नास्तिक आत्मा हो, कम्युनिटी हो, पैसा भी, लेकिन अंत समय में एक पीरियड एक सेकंड के लिए उसके जीवन में जरूर आएगा रियलाइज कर लेगा। तो कहेगा हो गॉड फादर मेरी बुद्धि भ्रष्ट, मैंने तेरे को नहीं पहचाना, अब मेरे ऊपर रहम रहम कर। आत्मा ही बाप को बुलाती है। श्रावण राशि में शोक वाटिका में सब
आपको कौन बुलाती है? आप सब आप इस देश में रहने वाले बच्चे ही बुलाते हैं क्या? जो राम बाप को बुलाते नहीं है वो पावन पति के पावन बच्चे भी इतना बुलाते हैं उतने ही पति का पावन बनते आता फल नहीं है लेकिन जिनकी लगन को ऐड होती रहती है बुलाने की इन्होंने बुलाया ही नहीं कभी भक्ति ही नहीं थी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए उनकी भक्ति कट हो गई तो ज्ञान भी कम उठावे ज्ञान कम उठावेंगे तो बात की पहचान भी कम उठावे रावण राज ने शोक वाटिका में शब्द रावण राज सारी दुनिया में है इस समय है इस समय प्रधान तो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हुए ज्ञान भी है उनों का शांति धाम धाम जाने के लिए मन कितना मार समार ये थोड़े कोई जानते हैं भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा नहीं ये जानते हैं कि आकर भक्ति का फल देगा और नहीं ये जानते हैं कि कैसे भक्ति का फल देगा तुम अभी समझते हो हमको भगवान से भक्ति का फल अब मिल रहा है हमने दूसरी पीरियड में भी जो देहधारियों की भक्ति की है इस पीरियड में भी जो ग्रेसक जन्म की भक्ति की है अलग अलग देहधारी को भक्ति का फल अब हमको ज्ञान जन्मों को पाप से मिल रहा है अगला प्रश्न भक्ति का फल क्या है जो तुम्हें मिल रहा है उत्तर भक्ति के दो फल हैं एक मुक्ति और दूसरा जीवन क्या अनुभव में आ रहा है कि हमको अब मुक्ति मिल रही है और जीवन मुक्ति भी जरूर मिलेगी क्यों जब हमने भगवान की भक्ति की शूटिंग पीरियड में देहधारी धर्म गुरु ये अनुभव हो रहा है कि अब हमको डायरेक्ट भगवान से सन्मुख ज्ञान उसकी फल मिल रहा है तो उसकी अनुभूति भी तो चाहिए ना अनुभूति मुक्ति और जीवन मुक्ति हो रही है मुक्ति माना छुटकारा एक तो सुख दर्दों से छुटकारा जरा जन्म और मृत्यु के दुखों से छुटकारा वो भी स्थूल बात लेकिन पहला पहला छुटकारा है देहधारी धर्म गुरुओं से जो बुद्धि फंसी हुई है कि हम डरते हैं तो भय खराब हो जंजीरों से मुक्त हो जाए अगर उनकी जंजीरों से मुक्त हो गए तो मन बुद्धि फ्री होकर के मन चिंतन मंथन भी करे और मन चिंतन मंथन करने वाली बुद्धि जो है वो दुनिया के दुखों को उस समय भूल जाएगी तो ये हुई हमारी मन बुद्धि के आधार पर दुनिया को भूल जाने की बात माना उससे मुक्ति पहले तो मन बुद्धि की मुक्ति मिलेगी तब सुख दर्दों या शरीर की मिल जाएगी पहले सूक्ष्म प्राप्ति पहले सूक्ष्म का मकान का खाका बनता फिर तो मन बुद्धि अगर मुक्त नहीं हुई तो स्कूल से भी मुक्त नहीं हो सके मुक्ति और जीवन मुक्ति इस शरीर में रहते हुए भी हम सुख दर्द का अनुभव न करें ज्ञान का मन चिंतन मंथन की तेज इतनी बढ़ जाए कि दुनिया तो हाय हाय तौबा तौबा करते करते अपना शरीर छोड़े और हम उसके पीरियड में भी विनाश के पीरियड में भी उष्णाघात बरसात के समय में भी चारों तरफ बर्फ से घिरे हुए होने पर भी हम सुख पूर्वक शांति पूर्वक अपनी आत्मा को देवान से छोड़ दें ऐसी जीवन मुक्ति प्राप्त करें बाबा भक्ति का फल क्या
लिए भक्तों जीवन मुक्ति का फल, भक्तों को कौन सा फल देते हैं? जीवन मुक्ति। जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्त हो जाने की स्टेज प्राप्त करना। अगर इस जीवन में रहते हुए हम दुख दर्दों से मुक्ति प्राप्त न कर सके, हार्ट फेल हुआ, हार्ट में दर्द होता रहा, अंत मते तो गति। अर्थात अगर हमारी अकाले मृत्यु हुई तो हमको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हमारी जैसी दुनिया की अकाले मौत हो और वो भूत प्रेत बन करके भटकते फिरे, ऐसे हमारी भी मुक्ति को गति हो। नहीं, जीवन में शरीर में रहते रहते हम इस शरीर के दुख दर्दों से मुक्ति प्राप्त करें, किसी भी प्रकार का हमको कष्ट महसूस न हो। इसको देते हैं जीवन मुक्ति। ये बड़ी महीन बातें समझने की बातें हैं, जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वो ज्ञान भी अच्छी रीति लेंगे, वो इन महीन बातों को समझेंगे। जिन्होंने शुरू की सतो प्रधान भक्ति नहीं की, क्या सतो प्रधान भक्ति कौन सी होती है और तमो प्रधान भक्ति कौन सी होती है? बाद वाली एक शिव की भक्ति वो है सतो प्रधान भक्ति। उसी पीरियड में भी एक शिव की भक्ति क्या होगी है? एक शिव माना द्वापर युग के आदि में, 2000 वर्ष के द्वापर युग के आदि में तो शिवलिंग उसमें हीरे का जो बिंदु था उस पर कॉन्सेंट्रेशन था हमारा, उसकी भक्ति करते थे, फल फूल पत्र अर्पण करते थे। यहाँ शूटिंग पीरियड में क्या होता है फिर? और किसी को नहीं मानते शूटिंग पीरियड में शिवलिंग कौन सा? शूटिंग पीरियड में कौन से शिवलिंग एक ही भक्ति करेंगे? अभी भी कैरी है, कैसे भक्ति होगी? हिंदू को तो याद किया जा सकता है, हिंदू तो आंखों से ही नहीं देखने में आता है, जो चीज आंखों से देखने में ये नहीं आएगी उसकी भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति में तो दर्शन होता है, भक्ति में तो महिमा होती है, पूजन होता है। हिंदू की भक्ति कैसे करेंगे? हाँ, वो हिंदू हीरा भी किसी की फूल लिंग में प्रवेश होता है। ये शरीर भी क्या है? लिंग है, चिन्ह है। इस लिंग रूपी चिन्ह में परमात्मा ने प्रवेश करके पाठ बजाया है। तो जिन्होंने एक ही अभिविचारी भक्ति की होगी, किसी दूसरे की पूजा नहीं की होगी, दूसरे को पूज लिया नहीं माना, एक को ही मान्यता दी, दूसरे को मान्य नहीं माना। जैसे डॉक्टर में मान्य और स्थिति किसे मानते हैं? पहले पहले को माता पिता को मान्य और स्थिति मानते हैं, और फिर माँ बाप मर जाते हैं तब बड़े भाई को मान्य और स्थिति, वो भी मर गया तब ऊँच क्या करते हैं? कहे चले जाओ, मैं मोड़ मोड़ के लाया तो जाएगा ठिकाने से। हाँ हाँ, गुरु को मानते हैं, मान लो गुरु भी मर गया है तो दूसरा गुरु बना लेंगे, तीसरा गुरु बना लेंगे। इसके अलावा और तो किसी की पूजा नहीं करते हैं, नहीं करते, झूठ बोलते हैं आप। भारतीय परंपरा में गुरु के और माँ बाप के अलावा और किसी की पूजा नहीं करते क्या है? वो तो स्त्रियों की बात हो गई, अभी जवाब दे रहे हैं आप पुस्तक में शुरू करिए, आप अपनी बात बताइए। पुरुष चोले जब लिए तो गुरु के और माता पिता के अलावा और किसी की पूजा नहीं की है? आप पुरुष चोले में जब थे तब आपने किसी की पूजा की जाती है?
शंकर जी को पूजा तो कोई नहीं करता, रिगार्ड देते हैं, मान्यता देते हैं, मान्य क्यों मानते हैं शंकर जी को? देखो तो जड़ बात हो गई, ये तो बात हो रहा व्यक्तिगत जीवन व्यवहार में बताइए, करते नहीं होंगे ऐसी तो बात नहीं, करते नहीं होंगे। नदी के संबंध कौन कौन थे? चाचा मामा ताऊ, इनकी मान्यता करते हैं, इनके पाप पूछते रहते हैं। नबी क्यों मर गए? नबी क्यों मर गए? पति तो मतलब इसी की बात, अभी तो इन लोगों की बात करते हैं ना, है? पत्नी की कोई पूजा नहीं करता भारत में, कोई पत्नी की पूजा पूजा नहीं करते, पूजा करते हैं बहन के बहनोई की। पूजा किसकी करते हैं? रोटी बेटी की पूजा किसकी करते हैं? दामाद की करते हैं। पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। क्या एक ही बार हैं? एक ही बार क्यों करते हैं? जिंदगी भर करते रहते हैं, पूरा मान्यता देते हैं, पूरी पूजा करते हैं, रोटी से भी बेटी से भी, और वो नाराज होता है जो मांगे तो उसे देना पड़े। हो सकता है दक्षिण भारत में न करते हो, ये हो सकता है, हमें पता नहीं वहाँ की परंपरा, लेकिन उत्तर भारत में तो ऐसे ही, क्योंकि दक्षिण में लंका मानी जाती है, तो वहाँ हो सकता है। अच्छा, इस समय देख बाद में नहीं करते? अच्छा, ये बात है, पहले करते हैं फिर बाद में, बाद में काम निकल गया तो हम पहचानते नहीं, बुद्धि तो उठा देते हैं, क्या बेटी दमा दी, सही बात निकाल देते हैं बेटी दमा। तो जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वो ज्ञान भी अच्छी रीति देगी, जिन्होंने शुरू से लेकर अब विचारी भक्ति एक स्थिति की होगी वो ज्ञान लेंगे और महीन बातों को समझेंगे, जिन्होंने शुरू की अब विचारी भक्ति नहीं की होगी इसकी एक शिव की ज्योतिबिंदु जिसमें प्रवेश करता है उसके थ्रू तो भक्ति हो सकती है। जैसे बाबा कहते मैं तो ब्रह्मा तन में आता हूँ, मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं तो अभोगता हूँ, मैं तुम किसको खिलाते हो? धन धान संपत्ति पत्र पुष्प फल किसको अर्पण करते हो? ब्रह्मा को देते हो ना, ब्रह्मा को अर्पण करते हो ना, और ब्रह्मा किसको अर्पण करता है? ब्रह्मा ने भी शुरू शुरू में किसको अर्पण किया? कविता को अर्पण किया ना। तो जिन्होंने शुरुआत से भक्ति की होगी तत्व प्रधान एक शिव की चैतन्य शिवलिंग वो फिर महीन बातों को भी समझेंगे, और जिन्होंने नहीं की होगी वो इन बातों को महीन बातों को समझेंगे। तो महीन बातों को समझेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे, क्या समझेंगे तो फल भी जीवन मुक्ति का अच्छा पाएंगे, और नहीं पूरा समझेंगे तो फल भी अच्छा नहीं पाएंगे, भक्ति कम होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, और भक्ति जाती होगी तो ज्ञान भी जाती है। फल भी कम पाएंगे, किताब है ना, नंबर वन पद है ना, कोई तो जानदार भी बनते हैं, क्या कोई तो ऐसे भी हैं जो चांदाल सबसे नीचे से नीचा पद अंगी का वो कौन सी सेवा करता रहता है? हाँ, शमशान घाट पे तो मुर्दा उठाता है, मर जाते हैं उनको उठाता है, और दूसरी सेवा क्या करता है घर में आने तक? जो दूसरों की गंध होती है लैट्रिन वो साफ करता रहता है, यह सबसे नीच पद चंडाल का। याद है विकारों
की कमी, एग्रीकोल से साफ करने विकारों की कमी, जैसे महाकाली साहब सफाई कर देती, उसी में जिनकी बहुत विकार का कचरा भरा हुआ होता है वो बहुत काला रूप धारण करती है, एकदम काला चेहरा, इतना तो काला चेहरा बन जाता है, काले मुंह वाली बन जाती है, जो भगवान की सहयोगी भुजाएं बनती है उनकी भी अगर कहीं बुद्धि खराब होने लगे विकारी संकल्प, तो उन भुजाओं को भी भगवान की भुजाओं को पाट करके अपनी कमर की लाज बचा ले। तो कोई तो चांदार चंडिका भी बनते, कहां की बात है, बात ही नहीं आती ब्राह्मणों की दुनिया के।